किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं शिमला मिर्च की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी। कैप्सिकम फार्मिंग यानी आपको इस वीडियो पर प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक यानी ए टू जेड नॉलेज मिलने वाला है। तो मैं आपको एक ही वर्ड कहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना यदि आप बांकाई शिमला मिर्च की उन्नत खेती करना चाहते हैं या फिर नॉलेज लेना चाहते हैं। इसमें हम एक एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, एक एक फंगस, कितने प्रकार के रोग आते हैं, डिजीज आते हैं, कितने प्रकार की फर्टिगेशन करनी चाहिए और आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। लेकिन कौन सी प्रोसेस है, किस प्रकार हमको शिमला मिर्च की खेती करनी चाहिए, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, बड़ी मात्रा में करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप मिट्टी की जाँच जरूर करा लें। बात करते हैं खेत तैयार। खेत तैयार करते समय आप कुछ नहीं करें, केवल आप एक ट्राली जैविक कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, मुर्गी की खाद या फिर गोबर की खाद एक ट्राली खेत पर बिखेर दीजिए और बस रोटावेटर की सहायता से खेत को समतल करा लीजिए। प्लाउ लाउ चलवा के आप खेत को समतल करा लीजिए। अब बात करते हैं मिट्टी यानी शिमला मिर्च की खेती करने के लिए अनुकूल मिट्टी। आप लगभग सही प्रकार की मिट्टी पर खेती कर सकते हैं शिमला मिर्च की। काली मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, बालू मिट्टी हो, चिकनी दोमट मिट्टी और भी अन्य प्रकार की मिट्टी पर आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ही काफ़ी भूमिका अहम हो जाती है। यदि आप कैप्सिकम की फार्मिंग कर रहे हैं तो इसका जो उन्नत और बढ़िया टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री तक का सेल्सियस टेम्परेचर बढ़िया माना गया है। यदि इससे कम ज़्यादा होता है तो हमारी फसल में उपज उत्पादन में कमी देखने के लिए मिलती है और मौसम परिवर्तन के कारण कई प्रकार के रोग भी आते हैं। बात करते हैं खेती कब करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, तो कृपया ध्यान से सुनिए। खेती यानी अनुकूल समय कब करना चाहिए, तो हमको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीनों पर, इसके अलावा अक्टूबर, नवंबर महीने पर आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादा मतलब अधिक टेम्परेचर के कारण थोड़ा सा उत्पादन उपज में कमी हो जाती है, बट आप जनवरी फरवरी में भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो समय बताया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने पे आप शिमला मिर्च की खेती करेंगे तो बढ़िया आपको उपज के साथ साथ अच्छा मुनाफा मिलेगा। बात करते हैं उन्नत किस्में, तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ और आज भी कहूँगा कि आपके जो एरिया में हाइब्रिड की वेस्ट वाली बढ़िया वेराइटी हो, आपकी मिट्टी के हिसाब से, आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आप उसी का चयन करें। और हम लोगों ने जो अभी लगा रखी है सिजेंटा की इंदिरा वेराइटी है, यह बढ़िया उपज उत्पादन है। इसका एक पैकेट का मतलब एक पैकेट में 1000 समथिंग बीज निकलते हैं जो कि 10 ग्राम के आसपास पड़ता है 1200-1400 रुपये में, और इसके फल काफ़ी ग्रीन डार्क रहते हैं और वजन एक फल का 150 से 170 ग्राम तक हो जाता है और रोपाई से 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए यह इंदिरा वेराइटी आपके लिए तैयार हो जाती है, तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। तो आपके एरिया में जो बढ़िया वेराइटी हो आप उसी का चयन करें। बात करते हैं प्रति एकड़ पौधे की आवश्यकता यानी एक एकड़ पर कितने पौधे की आवश्यकता होती है, तो एक एकड़ पर 11,000 से 12,000 पौधे की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा प्रति एकड़ कितने बीज, यदि हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो कितने बीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको बीज लग जाते हैं। अब बात करते हैं बीज उपचार। देखिए, आप नर्सरी तैयार करने से पहले, कई किसान भाई हैं जो सीधी नर्सरी खरीद लेते हैं, लेकिन कई किसान भाई हैं जो बीज मतलब नर्सरी तैयार करते हैं, तो उनको मैं रेकमेंडेड कर रहा हूं कि वे बीज उपचार जरूर करें ताकि अच्छे से जर्मिनेशन, अंकुरण हो, अच्छे तरीके से नर्सरी उनकी ग्रोइंग हो। तो आप किसी भी फंगीसाइड से बीजों को उपचार कर लें, जैसे UPL कंपनी की साफ है, सिजेंटा कंपनी की रेडोमेल गोल्ड फंगीसाइड है, या फिर किसी भी कंपनी की मैंगोजेब और कार्बेंडाजम से बीजों को उपचार आप जरूर करें। बात करते हैं प्लांट तैयार। देखिए, प्लांटेशन यदि आप तैयार कर रहे हैं तो घर पर आप तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रोटरी आती हैं कोकोपिट खाद से आप तैयार कर लीजिए, और मिट्टी पर समतल क्यारी बनाकर भी आप घर पर तैयार कर सकते हैं सिंपल तरीके से, बढ़िया नालियां बना के, मेड़ बना के, पाड़ बना के आप घर पर भी वर्मी कंपोस्ट से, जैविक कंपोस्ट से, गोबर की खाद से भी आप नर्सरी घर पर तैयार कर सकते हैं। और आप प्रोटरी पर कर रहे हैं तो मार्केट से आप कोकोपिट खाद ले आइए और प्रोटरी ले आइए, लीजिए, आपकी नर्सरी तैयार होगी। लेकिन नर्सरी जब जैसे ही आप नर्सरी तैयार करते हैं तो कई प्रकार के फंगस आते हैं, ध्यान रखना है। तो आप कुछ ना रेडोमेल गोल्ड फंगीसाइड को ही स्प्रे करें 1 लीटर पानी पर 2 ml या फिर 2 ग्राम। इसके अलावा बात करते हैं प्लांट ट्रांसफ़र, यानी प्लांट ट्रांसफ़र जब हम कब करना चाहिए, जब हमारे शिमला मिर्च का पौधा
आठ से दस सेंटीमीटर का हो जाता है तो हमको प्लांट ट्रांसफर कर देना चाहिए। ध्यान रखना है जहाँ से आप प्लांटेशन निकाल रहे हैं और जहाँ आपको प्लांटेशन करनी है, दोनों जगह नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा बात करते हैं बेसल डोज, यानी जब बेड हम तैयार करते हैं, जब हम खाद देते हैं तो उसे हम बेसल डोज कहते हैं, तो उस पर हमको क्या करना है। देखिए, जब आप पार या मेड़ बना रहे हैं या फिर बेड बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको चार बोरी ASSP सिंगल सुपर फास्फेट जो 300 से 400 रुपये पर बोरी 50 किलोग्राम की मिल जाती है, तो आपको चार बोरी सिंगल सुपर फास्फेट प्लस आपको दो बोरी NPK 12, 32, 16 को इनको मिक्स करके बेड़ों के अंदर दीजिए, एक आंतरिक खाद है। लीजिए, आपकी बेड़ तैयार हो गई। अब बात करते हैं बेड़ से बेड़ की दूरी, बेड़ की ऊंचाई और बेड़ की चौड़ाई। बेड़ से बेड़ की हमको दूरी रखनी है 2.5 फीट। जी हाँ दोस्तों, बेड़ से बेड़ की दूरी 2.5 फीट, बेड की ऊंचाई 8 से 10 इंच और बेड की चौड़ाई हमको 3 फीट रखनी है। तो जो मैंने आपको डिस्टेंस बताया है बेड का, यदि आप इतना रखेंगे तो आने जाने में आसानी होगी और भी फर्टिगेशन में भी आसानी होगी। बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ड्रिप का प्राइस है, कहीं 50% सब्सिडी मिल रहा है तो कहीं 80%। लेकिन ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो आप 16 mm ही इस्तेमाल करें, बढ़िया है वेजिटेबल के लिए, मिर्च के लिए तो आप 16 mm ही बढ़िया रहेगी। मल्चिंग पेपर, देखिए मार्केट में तो 18, 20, 25, 30, 50 माइक्रोन का पेपर आता है, लेकिन जो आपको लगाना है 25 माइक्रोन का पेपर लगाना है आपको शिमला मिर्च की खेती, यदि आप मल्चिंग पेपर से कर रहे हैं तो बढ़िया, आपको 25 माइक्रोन का जो मल्चिंग पेपर है बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं प्लांटेशन, देखिए जब आप प्लांटेशन करेंगे उससे पहले का काम होता है होल करना, मतलब मल्चिंग पेपर में बेड में होल करना, तो जिगजैग ही होल आपको करना है, ध्यान रखना है। प्लांटेशन से पहले खेत में नमी होना चाहिए और एक दिन पहले आप पानी चला लीजिए या ड्रिप्स छोड़ दीजिए, यानी नमी होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी, प्लांटेशन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, 1 से 1.5 फीट आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए। जिगजैग ही आपको प्लांटेशन करनी है और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। बात करते हैं ड्रेंचिंग के बारे में, जैसे ही हमारी फसल मतलब रोपाई हो चुकी है, प्लांटेशन हो गया है, तो हमको ड्रेंचिंग करनी रहती है। ड्रेंचिंग करने से ये होता है कि हमारी जो फसल है उसकी जो जड़ें हैं अच्छी तरीके से रूट पकड़ लेती है मिट्टी को और अच्छे तरीके से ग्रोइंग उत्पादन होता है। तो आपको फर्स्ट ड्रेंचिंग करनी है, रोपाई से दूसरे दिन आपको घुलनशील खाद लेना है, NPK घुलनशील खाद 19 19 19, 1 से 2 किलोग्राम आप NPK घुलनशील खाद लीजिए, प्लस आप 300 ग्राम UPL कंपनी का साफ फंगीसाइड लेकर 500 लीटर पानी पर 50 से 100 मिली के हिसाब से आपको जड़ों के पास प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास पिला देना है। इसके अलावा जैसे ही प्लांटेशन छठवें दिन का हमारी रोपाई होती है, यानी रोपाई से छठवें दिन हमको सेकंड ड्रेंचिंग करनी है, तो आपको सेकंड ड्रेंचिंग में 1 किलोग्राम आप NPK 12:61:0 लेना है और आपको 500 ml लिक्विड, जी हाँ दोस्तों, लिक्विड ह्यूमिक एसिड लेना है, ध्यान रखना। 1 किलोग्राम आप सेकंड ड्रेंचिंग में NPK 12:61:0 घुलनशील खाद को लेना है और 500 ml आपको लिक्विड ह्यूमिक एसिड लेना है, इनको मिक्स करना है आपको और 50 से 100 मिली के हिसाब से आपको सभी जड़ों के पास, पौधों की जड़ों के पास आपको पिला देना है, सेकंड ड्रेंचिंग कर देना है। इसके अलावा थर्ड ड्रेंचिंग, रोपाई से 8 से 10 दिन में जैसे हमारी रोपाई से फसल होती है मिर्च की, तो हमको क्या करना है, 17:44:00 NPK घुलनशील खाद लेनी हमको 3 किलोग्राम। इसके अलावा हमको जैव बैक्टीरिया लेना है 2 किलोग्राम, इनको मिक्स करना है 500 लीटर पानी पर और हमको 50 से लेके 100 मिली के हिसाब से जड़ों के पास पिला देना है प्रति एकड़ की दर से। तो बढ़िया है, 3 ड्रेंचिंग से ज़्यादा ड्रेंचिंग ना करें, यदि आपका बजट है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 3 ड्रेंचिंग तो करना ही ज़रूरी है। ड्रेंचिंग का मतलब ये होता है कि बिल्कुल लिमिट में कम मात्रा पर दवाइयों को और खादों को जड़ों के पास देना ड्रेंचिंग कहलाता है। तो बात करते हैं फंगस, जी हाँ दोस्तों, फंगस का सबसे बड़ा अटैक होता है हमारी फसल पर शुरुआती अवस्था से ही, तो जैसे डंपिंग ऑफ है, इसके अलावा वक आई रॉट है, फ्रूट रॉट है, एंथ्राकिनोसिस है, पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, इसके अलावा स्पॉट्स और भी तरह तरह के फंगस आते हैं। तो मैं आपको 4 फंगीसाइड के नाम बताने वाला हूँ जिनका स्प्रे करके आप बढ़िया हर हफ्ते या फिर 15-15 दिन के अंतराल पर फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। जैसी हमारी फसल 20 दिन की होती है तो आप इन फंगीसाइड, जो 4 फंगीसाइड के नाम बताने वाला हूँ, उनको आप 10-10 दिन 15-15 दिन के अंतर पर या फिर 20-20 दिन के अंतर पर स्प्रे कर सकते हैं।
जैसे ही हमारी फसल 15 से 20 दिन की 25 दिन की होती है तो फंगस का अटैक आने लगता है। तो बायर कंपनी की एंट्राकोल फंगिसाइड आती है, इसको आपको 150 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा 20 दिन बाद फोलिकोर फंगिसाइड आती है बायर कंपनी की, इसको भी हमको 200 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। सिजेंटा कंपनी की स्कोर फंगिसाइड आती है, इसको हमको 100 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर फंगिसाइड आती है, 400 ग्राम की दर से स्प्रे करना चाहिए प्रति एकड़। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड आती है, और भी बायो फंगिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। हमारी फसल पर पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लास्ट, रस्ट, झुलसा, फ्रूट रॉड भी और ही तरह तरह के फंगस आते हैं। उसके लिए और भी बढ़िया बढ़िया दवाई है, BSF कंपनी की एक्रोवेट कंप्लीट फंगिसाइड भी बढ़िया है, बायर कंपनी की लूना एक्सपीरियंस, और भी तरह तरह की फंगिसाइड आती हैं। आप हमसे चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो आपको नॉलेज होगा। इसके अलावा आपकी फसल पर कौन से फंगस हैं तो आप कमेंट में लिखें तो रिप्लाई भी तुरंत मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंसेक्टिसाइड यानी कि तरह तरह की इल्लियाँ हमारी फसल में मतलब शिमला मिर्च की फसल पर आती हैं, फल आने के समय और भी ज़्यादा बड़ी मात्रा में आती हैं। तो इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए जैसे लाल, काली, भूरी सही प्रकार की इल्लियाँ होती हैं, तो उनके कंट्रोल करने के लिए हमको क्या स्प्रे करना चाहिए। AFMC की वेनबिया इंसेक्टिसाइड को हमको 150 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। बायर कंपनी की डेसिस 100 इंसेक्टिसाइड को 200 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए प्रति एकड़। इसके अलावा अदामा इंडिया कंपनी की बाराजाइट इंसेक्टिसाइड आती है, इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। बाराजाइट को आप मैक्सिमम 200 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। क्विनल फॉस को भी आप 25 ml 15 लीटर पानी पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इंसेक्टिसाइड आती हैं, जैसे कि सिजेंटा की कराटे इंसेक्टिसाइड है, सिजेंटा की अलिका इंसेक्टिसाइड है, और भी तरह तरह की इंसेक्टिसाइड आती हैं, तो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा रैलीस का इंडोक्सा कार्बी इंसेक्टिसाइड आती है, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये दवाइयाँ हैं जो इल्लियों को कंट्रोल करती हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहता है, 20 दिनों तक इल्लियों को कंट्रोल करके रखता है। अब बात करते हैं टॉनिक के बारे में। देखिए फल फूल ड्रॉप भी होते हैं, फल फूल झड़ते हैं और फल फूल कम आते हैं, तीन चार कारण होते हैं। तो ये होता क्यों? मौसम की फेरबदली के कारण यानी मौसम परिवर्तन के कारण फल फूल ड्रॉप होते हैं, कम आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, न केवल फल फूल ड्रॉप बंद होंगे बल्कि फल फूल बड़ी मात्रा में आएंगे। इसके लिए फेंटाक प्लस, पोषक सुपर, बायोबीटा लिक्विड, टाटा रैलीस की बहार और आयसा एग्रो की सीएफटोन 10 एल टॉनिक, और इसके अलावा इफको कंपनी की सागरिका को, इन 5-6 को आप 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल पर अच्छी बड़ी मात्रा में फूल आएंगे, फसल भी ग्रोइंग अच्छे तरीके से होगी। 300 ml इन किसी को भी इनका सेम डोज है, 300 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पौधे की, शिमला मिर्च के पौधे की अनचाही वृद्धि यानी जरूरत से जब ज़्यादा वृद्धि होने लगती है तो हमको क्या स्प्रे करना चाहिए। घाडा कंपनी का चमत्कार और BSF कंपनी के लिहोसेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्प्रे आप कर सकते हैं। बात करते हैं सकिंग पेस्ट कंट्रोल यानी रस चूसक कीटों को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, और बड़ी मात्रा पर रस चूसक कीट आते हैं, और लीफ कर्ल भी मतलब जो बीमारी होती वायरस होता है वो रस चूसने वाले कीटों से ही फैलती है। तो जो रस चूसने वाले कीटों को ही आप शुरुआती अवस्था में ना आने दें और हमेशा स्प्रे करते रहें, मतलब 15-15 दिन के अंतराल पर ही आप रस चूसक कीटों को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डाव एग्रोसांस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं। बायर कंपनी की सोलोमॉन इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं 100 ml, डाव एग्रोसांस डेलीगेट को आप 150 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। UPL कंपनी का उलाला इंसेक्टिसाइड, UPL कंपनी का लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड और घरडा कंपनी का पोलिस इंसेक्टिसाइड को आप स्प्रे करेंगे तो रस चूसने वाले कीटों को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं फर्टिलाइजर शेड्यूल के बारे में, तो कृपया ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सबसे अहम टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब चालू होने वाला है यानी फर्टिलाइजर्स खाद के बारे में पूरा शेड्यूल आपको बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों कृपया ध्यान दीजिए, और वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन नॉलेज काफ़ी सटीक है, संपूर्ण है, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। जैसे ही रोपाई से 12वें दिन फर्टिगेशन स्टार्ट करते हैं ड्रिप पर, तो ड्रिप की खाद बता रहे हैं, जैसे हमारी फसल 12वें दिन की होती है तो आपको 2 किलोग्राम NPK 19:19:19 घुलनशील खाद लेना है, और 100 ग्राम आप गन्ने का गुड़ लेना है, इनको आप ड्रिप पर छोड़ना है घोलकर। इसके अलावा जैसे ही रोपाई से 16वें
दिन की हमारी फसल होती है, तो हमको घुलनशील खाद 17:44:03 किलोग्राम लेना है और 500 ml ह्यूमिक एसिड लेना है, ड्रिप पर छोड़ देना है। जैसे ही हमारी फसल 20 दिन की होती है तो 12:61:04 किलोग्राम लेना है और 2 किलोग्राम हमको सल्फर युक्त खाद लेना है, 20वें दिन रोपाई से छोड़ देना है प्रति एकड़ की दर से। जैसे ही हमारी फसल रोपाई से 30 दिन की होती है तो हमको 0:52:34:03 किलोग्राम 1 किलोग्राम बोरॉन युक्त खाद को लेना है और ड्रिप पर छोड़ देना है। जैसे ही रोपाई से 40 दिन की हमारी शिमला मिर्च की फसल होती है तो 4 किलोग्राम केमैक्स सुपर छोड़ देना है, जैव बैक्टीरिया। इसके अलावा रोपाई से 50वें दिन 13:40:13 घुलनशील खाद 4 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद हमको 5 किलोग्राम ड्रिप पर छोड़ना है। रोपाई से जैसे ही हमारी फसल 60 दिन की होती है तो 0:52:34 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम जिंक युक्त खाद को लेना है और ड्रिप पर छोड़ देना है। जैसे ही हमारी फसल रोपाई से 70 दिन की होती है तो हमको 0:50 घुलनशील खाद को 4 किलोग्राम लेना है और 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद को लेना है और छोड़ देना है। जैसे ही हमारी फसल 80 दिन की होती है रोपाई से तो हमको 19:19:19 घुलनशील खाद 2 किलोग्राम 12:61:0 घुलनशील खाद 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम लेना है और हमको छोड़ देना है ड्रिप पर। तो ऐसी यदि आप खाद को देंगे, अब किसान भाई कहेंगे कि ये तो ज़्यादा लंबी खाद हो गई, हम तो इतनी खाद नहीं दे सकते हैं। तो आप जब 10-10 दिन के अंतर पर नहीं दे सकते हैं तो 1-1 महीने के अंतर पर दें, क्योंकि क्या है कि जो आप मॉडर्न मैन खेती करना चाहते हैं या फिर ड्रिप पर कर रहे हैं तो हमारे किसान भाई हर दूसरे दिन मतलब खाद छोड़ते हैं। बट आप जो मैंने शेड्यूल बताया सही है, इसके अकॉर्डिंग और आपका बजट ना हो तो कम कर दें, इसको आधा कर दें। मैंने आपको 80 दिन तक बता दिया, जैसे ही हमारी फसल 80-90 दिन की होती है तो आपको एक साइकिल बना लेनी है, उन खादों को देते रहना है। आपको 10-10 दिन के अंतराल पर 4-5 किलोग्राम इन खादों को देना है जो मैं बता रहा हूँ, 12:61:00, 0:50, 0:52:34 और 17:44:00 इनकी साइकिल बना लेनी है। और 10-10 दिन के अंतराल पर यानी एक दिन आपको 12:61:00 4-5 किलोग्राम लेना है, फिर 10 दिन बाद 0:50 और फिर 10 दिन बाद 0:52:34, 10 दिन बाद 17:44, ऐसी आपको साइकिल बना लेनी है और घुलनशील खाद को देते रहना है। अगर आप ऐसे फर्टिगेशन करेंगे तो आपकी फसल अच्छे तरीके से ग्रोइंग उपज उत्पादन होगा। अब बात करते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस की रासायनिक कोई भी दवाई नहीं बनी है, ऐसी दवाई है जो मैं आपको यूट्यूब में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन क्या करना है आपको कि जो वायरस ना आए, तो सबसे पहले तो रस चूसने वाले कीट का काम रहता है वायरस को फैलाने का, तो उसके लिए वायरस ही ना आए तो आप क्या करें कि रस चूसने वाले कीटों का अटैक ना आने दें, तो समय समय पर रस चूसने वाले कीटों को सफ़ेद मक्खी का अटैक ना हो पाए, तो ऐसा करेंगे। और भी आप गौमूत्र को, नीम की पत्ती, जो नीम ऑयल है, इनका स्प्रे करेंगे, मठा का स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल पर जो वायरस है नहीं आएगा। तो याद रखना, नीम की पत्ती का रस निकाल के या फिर उसको मटके पर रखकर उसको आप कुछ दिन बाद में बता दूंगा कि वायरस की बट आप नीम ऑयल स्प्रे करें, बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं शिमला मिर्च का रेट, आपको 15-20-25-30-35 रुपए के आसपास रेट मिल जाता है। उत्पादन 40-50 टन प्रति एकड़ की दर से इसका उत्पादन होता है। फसल तैयार 55-60 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग के लिए, फसल तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। 70 दिन भी लग सकते हैं अगर आप, मैंने बताया ड्रेंचिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा यहाँ होगा क्योंकि हार्वेस्टिंग अच्छे से होगी। फसल का पूरा जीवन चक्र अगर देखा जाए तो 6-7 महीने हैं, अगर अच्छे से 5 महीने तो आपको अच्छा फल देती है, और 6-7 महीने तक किसान भाई खेच सकते हैं, 8 महीने तक, लेकिन 5-6 महीने इसका जीवन काल रहता है। शिमला मिर्च की बंधाई, कई लोग फूल आने की स्टेज पर करते हैं, लेकिन आपको बांस के टुकड़ों की भी आवश्यकता पड़ती है जिससे हवा में हमारा पौधा मतलब झुके ना, तो आपको 1400-1500 बांस के टुकड़े लग जाते हैं बंधाई के लिए। आप रस्सी आती है प्लास्टिक की, उससे बंधाई कर सकते हैं, ये हमारे किसान भाई जानते हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ बांस के टुकड़े, मैंने आपको बता दिया प्रति एकड़ खर्च की अगर बात की जाए, यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं तो ड्रिप तो आपको 40-50 हज़ार रुपये में पड़ेगी जो 8 साल चलेगी। तो फर्स्ट साल लगा रहे हैं तो आपको ड्रिप का खर्च तो आएगा ही आएगा, जुताई का तो हमेशा आएगा जब भी आप लगाओगे, बेड प्रिपरेशन का भी खर्च आएगा। तो आपको मैं कह सकता हूँ कि 1 एकड़ का जो खर्च है 1.5 लाख रुपये के समथिंग ड्रिप खरीदने के साथ आपको 1 एकड़ का खर्च पड़ता है,
और आपको एक एकड़ में लगभग जो अर्निंग है 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए एग्जैक्ट आप कमा सकते हैं एक एकड़ पर। तो ध्यान रखना है आपको एक एकड़ ध्यान रखना ये कि आपको एक एकड़ में अगर खर्च कर रहे हैं तो आपको ड्रिप का खर्च पड़ेगा, मतलब सेकंड दूसरे साल से आप बांस के टुकड़े बच जाएंगे, प्लास्टिक की रस्सी बच जाएगी और आपकी ड्रिप बच जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर आपको कुछ ऐसा ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी। बट जो जुताई है, बेड प्रिपरेशन है, मल्चिंग पेपर है, तो आपको हर साल लगाना पड़ेगा। बट जो आपको मैं बता रहा हूँ ड्रिप एरीगेशन है, ये आप एक साल ले लीजिए अच्छी वाली मार्केट से और आप 8-10 साल इसका अच्छा एवरेज रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए आप एक एकड़ पर कमा सकते हैं और पूरा खर्च काट के आप फर्स्ट साल पर 3 लाख रुपए 2.5 से 3 लाख रुपए एक साल में कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया शिमला मिर्च की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी, यानी आपको कितना खर्च हो जाएगा आपका पैसा और फर्टिगेशन का भी आपको खर्च लगता है अगर अच्छे से आप करेंगे खेती। तो दोस्तों ऐसे छोटे मोटे खर्च तो आपको लगे रहेंगे, जैसे हार्वेस्टिंग के भाड़ा है और भी तरह तरह की दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है, फर्टिगेशन करना पड़ता है, तो छोटे मोटे खर्च बड़े बड़े खर्च भी आते रहते हैं। तो आशा की कि आपको पूरी जानकारी बताने की शिमला मिर्च की उन्नत खेती किस प्रकार की जाती है, आपको क्या बेनिफिट होगा, कब कैसी खेती करना चाहिए, नर्सरी कैसे तैयार करनी चाहिए, कितने देर में तैयार हो जाती है, सब कुछ आपको A to Z जानकारी बताई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।